एज ए आइसोलेशन एक्टिविटी नहीं देखा जाता है। तो जब भी हम कोई भी रिवेजिटेशन हमें स्लाइड सो जब भी हम लोग रिवेजिटेशन मेजर्स प्लान करते हैं तो हम वहाँ के रादर देन वो पूरा पैच केवल उस पैच को जिसे कि हमें रिस्टोर करना है पूरे लैंडस्केप को समझने का कोशिश करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि केवल उस पैच को जिसको हम रिस्टोर करना है उसको फोकस नहीं करते हुए पूरे लैंडस्केप को समझें, वहाँ की इकोलॉजी को समझें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो लैंडस्केप है वो एक नदी का एक कैचमेंट हो सकता है, कोई भी हिल रेंज हो सकता है जिसे कि हमें रिस्टोर करना है। लैंडस्केप को जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद हमें वहाँ पे रह रहे लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी नीड्स किस तरह की हैं, वो इकोसिस्टम को किस तरह से देखना चाहते हैं। कम्युनिटीज़ को हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे वो अपने कंसर्न को शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, आपस में बातचीत करके अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। सो लैंडस्केप को समझने के साथ साथ लोगों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और जब हम लैंडस्केप को समझ लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं, तो वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को समझना चाहिए कि जिसे कि हम लोग रिस्टोर करना चाहते हैं। तो जब भी हम काम शुरू करने से पहले वहाँ का इकोलॉजिकल सक्सेशन ट्रेंड को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉरेस्ट टाइप वहाँ पे है, कौन सा स्पीशीज वहाँ पे मिलता है, कौन कौन से पेड़ पौधे वहाँ पे मिलते हैं, कौन से जानवर वहाँ के पे मिलते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, कौन कौन सी स्पीशीज जो पहले ऐसी थी जो पहले यहाँ मिला करती थी और अभी नहीं मिलती है, और ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कि कुछ समय पहले अभी ही विलुप्त हुई हैं, और वो अगर वहाँ से विलुप्त हुई है तो उनके क्या कारण रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना रिस्टोरेशन प्लान रिवेजिटेशन प्लान बनाना चाहिए। लैंडस्केप को समझ लिया, लोगों को समझ लिया, वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को समझ लिया, अब हमें वहाँ पे लोगों के साथ मिलके उस एरिया का रिस्टोरेशन प्लान बनाना चाहिए। अगर हम रिवेजिटेशन की बात करें तो रिवेजिटेशन की काफ़ी सारे मेथड हैं। रिवेजिटेशन की प्लानिंग करते समय ये बहुत बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि रिवेजिटेशन जो डिफरेंट मेथड है उसमें असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन है उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि लेस डिग्रेडेड लैंड पर बहुत अच्छे परिणाम हमको देता है। तो जब भी हम किसी भी एरिया को रिस्टोर करें सबसे पहले वहाँ के बायोफिजिकल फैक्टर्स की मैपिंग कर लें, वो समझ लें कि वहाँ का टेरन कैसा है, वहाँ का स्लोप कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कौन सी स्पीशीज है जो कि टॉप पे उगती है, कौन सी स्पीशीज है कि नीचे की तरफ उगती है, तो वो सब हम अच्छे से समझ लें। सहाना आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये समझने के लिए कि वहाँ का टेरन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, कौन सी स्पीशीज ऊपर उगती है, कौन सी स्पीशीज नीचे उगती है, हम लोग मैनुअल जीआईएस का यूज करते हैं कि क्योंकि सही स्पीशीज को सही जगह पे लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैनुअल जीआईएस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सॉइल वहाँ का जो टेरन टोपोग्राफी सॉइल के प्लेसमेंट को समझने के लिए मैनुअल जीआईएस हमारी बहुत मदद करता है। जब भी हम मैनुअल जीआईएस के थ्रू स्पीशीज सेलेक्शन करें हमें ये लोगों से भी बात करना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीशीज है, वो कहाँ उगती है, टॉप पे कौन सी स्पीशीज उगती है, बॉटम पे कौन सी स्पीशीज उगती है, स्पीशीज लगाने का उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ओवरऑल रिवेजिटेशन प्लान को तैयार करना चाहिए। रिवेजिटेशन के या रिस्टोरेशन के बहुत गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि बहुत फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि उस एरिया में जो भी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है उसको हम प्रोटेक्ट करें रादर देन नया पौधा लगाने रादर देन वहाँ पे हम नया ओके पौधा लगाने पे जोर दें। हाँ, सीड ये प्राइसेस फोकस होना चाहिए कि उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, नए वहाँ पे ओके ये देखें कि वहाँ का जो नेचुरल रूट्स कहीं कहीं कुछ कुछ साइट्स होती है जहाँ पे नेचुरल रूट स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे नए तरीके से पौधारोपण करने का शायद ज़रूरत नहीं होता है, केवल उस साइट को अगर रिस्टोर कर दिया जाए तो ही वहाँ पे जो अच्छे रूट स्टॉक है वो निकल जाते हैं और रिवेजिटेशन के परिणाम बहुत अच्छे हमको मिलते हैं। यदि हम रिस्टोरेशन की अगर प्लानिंग करें बिल्कुल तो हमको ये कुछ और भी गोल्डन रूल है जैसे कि प्रॉपर स्पेसिंग
का काफी ध्यान, प्रॉपर स्पेसिंग की काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जब भी हम लोग कोई भी रिवेजिटेशन मेजर्स कर रहे होते हैं तो वो लैंड किस तरह का है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो प्लांटिंग करते समय हमको ये देखना है कि क्या हम ये रिवेजिटेशन मेजर्स या प्लांटिंग करते समय वहाँ के लैंड यूज को तो चेंज नहीं कर रहे हैं। सो जब भी हम लोग ये मेथड यूज करें तो देखना चाहिए कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी, सीट से सीट के बीच की दूरी बहुत बहुत ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए। सो जंगल का केस में पौधे से पौधे के बीच की दूरी थोड़ी नजदीक हो सकती है, बट अगर ग्रेजिंग लैंड, अगर हम चारागाह में प्लांटिंग कर रहे हैं जहाँ पे चारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वहाँ के जो बिल्कुल लोकल जानवर है उनको चरने के लिए, सो चारागाह के केस में ये स्पेसिंग बहुत दूर होना चाहिए, जैसे कि 10 से 15 मीटर की दूरी पर हमें वहाँ पे प्लांटिंग करना चाहिए। सो सही समय पर, अगर सही जब भी हम लोग ये एक्टिविटीज करें तो सही समय पर सही मेथड से और वहाँ पे जो लोकल प्रजातियाँ हैं उनकी उनको ध्यान में रखते हुए ये मेथड प्लांटिंग करने से हमें वहाँ पर इस रिवेजिटेशन के परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बोलिए सर। सो ये एक एग्जाम्पल है कि किसी गांव में अगर 40 हेक्टेयर का चारागाह है जिसपे कौन सा गांव डिवीजन के कर रहे 70 से 80% पशु अगर चरने जाते हैं, और अगर गांव के साथ गांव प्लान करता है कि हम पूरे के पूरे 40 हेक्टेयर को इसी साल कंजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो बेसिकली और वहाँ के जो लोकल गांव के जो लोकल लाइफ स्टॉक है, वहाँ के जो पशु हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे चलकर खड़ी हो सकती है कि जो गांव के पशु हैं वो चरने के लिए कहाँ जाएंगे। सो हमें ये रिस्टोरेशन जब भी प्लान करें तो हमें फेज वाइज मैनर में रिस्टोरेशन प्लान करना चाहिए, ताकि जो गाँव की जो लोकल नीड्स हैं, जो पशुओं की जो लोकल नीड्स है वो भी समय पर फुलफिल हो सके। सो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रिस्टोरेशन करने से हमें उसके रिस्टोरेशन के परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू कॉल कर सहाना, लीजिएगा फोन प्लीज सर। ओवर टू यू। थैंक्स मानी, काफी यूजफुल कॉन्टेक्स्ट था वो। सो जैसे आप सबको पता रहेगा, हमने पिछले 4 सेशन में अलग अलग चीजों के बारे में बात किया है। हमने शुरू किया था फेंसिंग और पिटिंग से, जो साइट प्रेपरेशन एक्टिविटीज होते हैं वहां से शुरू करते हुए, फिर हमने प्लांटिंग, कटिंग, सीडिंग, सीड कलेक्शन और उसके आगे फिर वीडिंग, मल्चिंग, वाटरिंग, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस के अलग अलग डूज एंड डोंट्स को हमने सीखा है, समझा है और थोड़ा सा डीप डाइव भी किया है। और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या उगा सकते हैं, क्या नहीं उगा सकते हैं, किस स्पीशीज का कटिंग फॉर्मेट में अच्छा जाएगा अगर हम रीवेजिटेशन कर रहे हैं, कौन से स्पीशीज प्लांटिंग या सीडिंग तरीके से बेहतर प्रोपगेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे चर्चाओं के ऊपर हमने काफी टाइम बिताया है। तो इस चर्चा को एक फिनाले में लेके आने के लिए आज हम थोड़ा सा मॉर्टेलिटी रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे, जिसपे सतीश सर और अनिल सर हमारे साथ थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, थोड़ा उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या अच्छा काम करता है, क्या नहीं अच्छा काम करता है, वो भी हमको बताएंगे। और उसके बाद हम एक बार पूरा जो रीवेजिटेशन का प्रोसेस होता है उसका एक रीकैप भी करेंगे सतीश सर और अनिल सर के साथ। बट हम डीप डाइव ना करके हम ओवरऑल, जैसे अभी हिमानी भी हमको कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में बता रही थी, वैसे ही रीवेजिटेशन में जो गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हुए हम एक रीकैप भी करेंगे, ताकि ये एक पूरा सा रीकैप भी हो जाए और एक फिनाले के हिसाब से ये पूरा सा डिस्कशन भी क्लोज हो जाए। और एज ऑलवेज हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे। सो प्रेजेंटेशंस हो जाने के बाद हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए Q&A सेशन के लिए ओपन करेंगे फ्लोर को, जहाँ पे आप सब लोग अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है वो मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है या रिवेजिटेशन के किसी भी स्टेज या प्रोसेस या प्रैक्टिस के ऊपर हो सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सवालों को चैट बॉक्स में डालें या Q&A बॉक्स में डालें, या अगर आपको बात करना है हमारे एक्सपर्ट से तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं और हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे। तो Q&A सेशन पे जाने से पहले हम इनवाइट करेंगे सतीश सर आपको,
सो आप थोड़ा सा हमको हेल्प करना, मोर्टालिटी रिप्लेसमेंट अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अब तक बाकी सारे प्रोसेसेस का काफी डीप चर्चा किया है, तो मोर्टालिटी रिप्लेसमेंट का जब हम बात करते हैं तो ऐसा क्या ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स है या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए सर, अगर आप हमको थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं तो। जी जरूर जरूर। आदरणीय सानंद मैडम, मानी मैडम और डॉक्टर अनिल जी और सभी जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत आदर के साथ मैं नमन नमस्कार करता हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं नमन नमस्कार करता हूँ। और हमने अभी सानंद मैडम ने, मानी मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें प्लांटेशन के बारे में, बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताए। तो मैं उसी चीज को और उसको कंटिन्यूटी देते हुए आगे मैं जा रहा हूँ। मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट या कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें करूंगा। जो भी पौधा है, जिस तरह हमारी एक एज है, जिस तरह हर एनिमल की एक एज है, इसी तरह हर प्लांट की भी अपनी एक एज है। आम की एक एज है, पीपल, बरगद, हर हर स्पीसीज की अपनी एज है। तो जब हम प्लांटिंग करते हैं तो हमारा सोच ये रहता है कि ये प्लांट जो हमने लगाया है, हमने मैंगो लगाया है, बैम्बू लगाया है, या हमने धोकड़ा लगाया है, अर्जुन लगाया है, कोई भी स्पीसी लगाई है, हमारा एम ये है कि ये नेचुरल अपनी पूरा जीवन जीकर फिर कभी डेथ हो। लेकिन ऐसा नेचर में हमेशा नहीं है। प्लांटिंग करने के बाद में पौधों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। कुछ तो उसी साल मर जाते हैं, कुछ अगले साल मर जाते हैं। तो ये जो प्री मैच्योर डेथ होती है या जो प्लांटिंग के बाद उसी साल हो जाती है, उसी महीने हो जाती है, ये जो डेथ है, ये डेथ हमारे लिए बड़ी पेनफुल होती है। क्योंकि प्लांट ने हमसे इन्वेस्टमेंट तो ले लिया, लेकिन हमको रिटर्न तो कुछ दिया ही नहीं। उससे पहले उसकी डेथ हो गई। और जो पिट हमने, जिस पिट में हमने लगाया था, वो पिट खाली हो गया है। उस पिट में फिर से उस पौधे को लगाना है या किसी दूसरे स्पीसीज को लगाना, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट। तो ये जो पौधे मरते हैं, दो तरह से पौधे मरते हैं। देखिए, पौधों को मारता कौन है? पौधों को लिमिटिंग फैक्टर मारता है। लेकिन अभी रेन चल रही है, अभी हमने प्लांटिंग किया है, तो इस समय लिमिटिंग फैक्टर तो है ही नहीं। आप देखिए, सुटेबल रेन कंडीशन है, टेम्परेचर की कंडीशंस बहुत बेटर है, ग्रोइंग सीजन चल रहा है, सारी चीजें प्लांट के सीडलिंग के फेवर में है। फिर भी पौधा अगर मर जाए, तो ये इसका मतलब है ये प्लांटिंग में हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। अर्थवाल तोड़ दिया हमने, या कुछ और हमने उसको ट्रांसपोर्टेशन में हमने उसको कुछ जर्क दिया है, कुछ कोई कोई ऐसी गड़बड़ है जो हमने की है, नेचर ने नहीं की है। तो एक कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का कारण या पौधों की डेथ का कारण बनता है, वो है कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इसी साल पौधे इसी रेनी सीजन में मर गए। दूसरा, कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट कब होगा या कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट के लिए पौधों की डेथ कब होगी, वो अगले साल तक, क्योंकि हमारे यहाँ तीन मौसम है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है, कुछ लिमिटिंग फैक्टर वर्षा में होते हैं, कुछ गर्मी में होते हैं, कुछ सर्दी में होते हैं। हमारे तीनों मौसम को, तीनों वेदर कंडीशंस को देखकर जो पौधे सेंसिटिव हैं, वो इन एक साल के पीरियड में मर जाते हैं। तो जब वो मर गए, तो जो गड्ढे खाली हुए, वो हमें नेक्स्ट ईयर फिर जुलाई में हमें उनकी जगह नए प्लांट्स हमें प्लांटिंग करना होगे। तो एक्चुअल में वैसे कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक साल बाद पौधों को लगाना। लेकिन एक अच्छा तरीका ये भी है, इसी जुलाई या इसी अगस्त या इसी रेनी सीजन जो हमने पौधे लगाए हैं, उनको एक बार पूरा लगाने के बाद में आप एक रेकी कर लीजिए। हो सकता है कुछ गड्ढे खाली हो गए हों, कुछ पौधे अभी मरे हों, या कुछ गड्ढे लेफ्ट आउट भी, यानी आप भूल गए हों, लेबर से छूट गए हों, तो उनको इसी साल लगा दीजिए। लेकिन ये कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये तो आपका फॉर्मल प्लांटेशन है। कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट तो अगले साल होगा। तो क्यों होता है कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट? पौधे मरने के कारण, कोई इनको लिमिटिंग फैक्टर उनको मार रहा है, आग की वजह से मर सकते हैं, ग्रेजिंग की वजह से मर सकते हैं, ड्राउट की वजह से, सूखे की वजह से मर सकते हैं, फ्रॉस्ट की, पाले की वजह से मर सकते हैं। यानी कोई ना कोई वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है, या ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग, ट्रैम्पलिंग हो सकती है, फायर, इन किसी भी लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हमारे जो बेबी प्लांट हैं, वो प्लांट्स हैं, वो मर जाते हैं और गड्ढा खाली हो जाता है। उस वैकेंसी को फिर भरने को, प्लांटिंग के द्वारा ही भरने को हम कहते हैं कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट। अब जो परमिशेबल लिमिट है, आमतौर पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है फर्स्ट ईयर के लिए, ये मानता है कि जो हमने प्लांटिंग किया है एक साल के बाद में, यानी तीन वेदर्स को देखने के बाद में, गर्मी, सर्दी, वर्षा के पीरियड के बाद में, हमारे 90% जिंदा रहना चाहिए और 10% तक ही उनकी डेथ होनी चाहिए। तो परमिसिबल लिमिट है आमतौर पर 10 की, 10% की, ये परसेंटेज में बताया जाता है।
लेकिन जरूरी नहीं 10 ही मरे, कई बार ज्यादा भी मर जाते हैं, कई बार कम भी मरते हैं। इसलिए नेक्स्ट ईयर जुलाई में जब आप कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास एक एस्टिमेशन होना चाहिए कितने पौधों की डेथ हुई है। हमें मैकेनिकल ये नहीं, हम तो 10% लगाएंगे। अगर कम कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट कम पौधे मरे हैं तो कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट आपको कम लेना है, और किसी वजह से ज्यादा मरे हैं तो आपको कोई ऐसा मेथड लेना है कि आप किसी तरह उन सारे मरे हुए पौधों को बदल सके। तो इसके लिए एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। एस्टिमेशन दो तरह से होता है, एक है टोटल एस्टिमेशन, एक है पार्शियल एस्टिमेशन। टोटल एस्टिमेशन में यह है कि हम पूरे प्लांटेशन को सेगमेंट्स में बांट लेते हैं। मान लीजिए 10,000 पौधे लगाए और हम पूरे मान लीजिए, और ये लगाए 20 हेक्टेयर में, 20 हेक्टेयर को हमने मान लीजिए 15 सेगमेंट्स में बांट लिया। हर सेगमेंट में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कितने पौधे मरे, और मान लीजिए हमने 10,000 पौधे लगाए थे और टोटल पौधे काउंटिंग किए, डेड जो पौधे हैं यानी जो गड्ढे खाली हैं, उन एम्प्टी पिट्स को हमने काउंट किया, वो आए 1500। 10,000 लगाए, 1500 खाली मिले, इसका मतलब 15% आपका कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि आपने टोटल काउंटिंग कर ली है। देखिए हर बार हम टोटल काउंटिंग नहीं कर पाते क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, तो हम पार्शियल उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और उसको कैसे करते हैं, आप जो प्लांटेशन है उसके चारों कोनों में डिफरेंट कंडीशंस हैं, सब कंडीशंस को आप देख लीजिए। आप एक दो जगह बॉटम में काउंटिंग कर लीजिए, एक दो जगह आप जो मिडिल स्लोप है वहां काउंटिंग कर लीजिए, एक दो जगह आप टॉप की तरफ काउंटिंग कर लीजिए, एक दो काउंटिंग का आपका सैंपलिंग है नाले के किनारे किनारे हो जाए, यानी जितनी वेरिएशन है हैबिटाट की सभी में सैंपलिंग कर लीजिए। मान लीजिए किसी 10 हेक्टेयर के प्लांटेशन में आपने 3 या 4 या 5 तरह के आपके माइक्रो हैबिटाट हैं या हैबिटाट वेरिएशन हैं, और आपने सब जगह 100 100 प्लांट गिने। सपोज करिए आपने 100 100 100 100 प्लांट आपने 5 जगह काउंटिंग किए, हर जगह नोट कीजिए कि जो 100 काउंटिंग हुआ है उसमें आप जिंदा और डेड सबको कागज में अलग अलग नोट करिए। तो 100 आपने टोटल पिट्स काउंट किए थे, ऑब्जर्व किए, मान लीजिए उस 100 में से 90 जिंदा मिले और आपको डेड 10 प्लांट है वो डेड मिले, यानी एम्प्टी पिट्स मिले। फिर नेक्स्ट जगह आप गए, वहां आपने 100 पिट्स को देखा, वहां आपको 5 डेड मिले। फिर तीसरी जगह आप गए, वहां 100 में से 20 आपको पौधे लास्ट ईयर के लगाए हुए डेड मिले। फिर आपने चौथी जगह काउंट किया, 100 गड्ढे, उनमें से आपका मान लीजिए 10 पौधे डेड मिले। और पांचवी जो हैबिटाट है या सैंपलिंग है उसमें फिर आप चले गए और 100 में से आपको 10 आपको मरे मिले। तो आपने 5 जगह गिने, 100 100 100 100, यानी टोटल 500 आपने पौधे या पिट्स काउंट किए, और उनमें से मान लीजिए टोटल 55 आपके मरे हुए मिले। इसका मतलब ये आपका कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट 11% होगा। टोटल को प्रोजेक्ट कर लीजिए, है ना, सारे आप 10,000 के 10,000 मत काउंट करिए, 10,000 में 500 गिन लिए, 400 गिन लिए, 1,000 पिट्स गिन लिए, तो इस तरह प्रोजेक्ट करके भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब आता है प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस वही होगा जो हम प्लांटिंग का, एक नॉर्मल प्लांटिंग का करते हैं, क्योंकि कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट भी एक तरह का प्लांटिंग ही है। तो लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें गड्ढा वही खोदना है जहां पहले बार गड्ढा था, उसी को रीओपनिंग करना है आपको, आपको नया पिट नहीं खोदना है। पुरानी वाली कुर्सी पर ही आपको नया कैंडिडेट जाके बिठाना है। तो आप उस गड्ढे को जैसे पहली बार आप फ्रेश प्लांटिंग करते हैं, फ्रेश प्लांटिंग में पिट्स को प्लांटिंग सीजन से कम 1 महीना पहले आप गड्ढे खोद लेते हैं। ठीक इसी तरह जो डेड प्लांट्स हुए हैं उनके पिट्स को रीओपनिंग करना, रीडीपनिंग करना, आपका फिर से खोदने का काम रेनी सीजन आने से पहले 1 महीने पहले आप उस काम को कर लीजिए, ताकि वेदरिंग हो जाए, टर्माइट वगैरह सब मर जाए। इस बीच आप जितने पौधे लगेंगे इतने पौधों का प्रिक्वायरमेंट का आप देख लीजिए, किसी नर्सरी से लेंगे, कहाँ से लगेंगे, और उसको जोनेशन के हिसाब से कीजिए। आपका टॉप जोन के लिए आपको कितने प्लांट चाहिए और किस स्पीसीज के, मिडिल जोन के लिए कौन कौन सी स्पीसीज के चाहिए और कितना नंबर, और बॉटम जोन के लिए कौन सी स्पीसीज चाहिए और कितना नंबर, इसी तरह स्ट्रीम के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। इस तरह आप आपका जोनेशन वाइज एस्टिमेशन कर लीजिए, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, और उसके अनुसार आप जून के लास्ट तक सीडलिंग है, सैपलिंग है, आप प्रोक्योर कर लीजिए,
उनको ठीक उसी तरह ट्रांसपोर्ट करिए जैसा आपने मेन प्लांटिंग करते समय किया था। एक दो अच्छी रेन होते ही आप प्लांटिंग कर दीजिए, प्लांटिंग करने के बाद में वही आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने हैं जो पहली बार किए थे। और ये ध्यान रखिए, अगर पिट्स में पौधा मर गया है लेकिन 1+3 की वजह से थावले पर 3 बीज लगाए थे वो जिंदा है, तो आपको उस पिट में कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि इसीलिए तो हमने 1+3 को अडॉप्ट किया था। तो पिट में अगर पौधा मर गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पौधे के क्रिसेंट पर, थावले पर जो पौधा अगर बीज से बना हुआ है और जिंदा है, तो उसमें कोई कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट की आपको जरूरत नहीं है। उसको जिंदा मानते हुए आप उसी पौधे को अलाउ कर दीजिए, उसी को मौका दीजिए वो बढ़ता रहे। और अगर आपके थावले में 1+3 के मेन पौधा मर गया, 3 में 3 ही सीड वाले चल रहे हैं, तो अच्छी जब रेन हो जाए, आधी रेन का सीजन जब चला जाए, आप फिर से इंस्पेक्शन कर लीजिए। जो बहुत बेटर है, लीडर है, अच्छा चल रहा है, उसको रिटेन कर लीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए। और बाकी अगर ब्रॉड लीव डिस्पीसीज है, तो आप ऐसा गड्ढा जिसमें गड्ढे में भी पौधा मर गया है और क्रिसेंट पे 1+3 तीनों का ही रिजल्ट 0 रहा है, वो रियल आपका गड्ढा खाली हुआ है, वहां पर आप उस गड्ढे को ऐसे बेबी प्लांट से आप ट्रांसफर करके उसको गड्ढे में प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट करना है। ध्यान रहे, बेम्बू के केस में आपको बहुत सतर्क रहना है। बांस का जो पौधा है ये गर्मी के सीजन में सूख सकता है, आग की वजह से ये ऊपर से जल भी सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसका अंडरग्राउंड जो पार्ट है राइजोम, वो ना तो सूखता है ना मरता है, वो आग से भी नहीं मरता है, वो पानी से भी नहीं सूखता है, वो ग्रेजिंग से भी बचा रहता है। इसलिए जो बांस के प्लांटिंग किए हुए गड्ढे हैं, उनके सूखे पौधों को आप मरे हुए पौधों का गड्ढा नहीं माने, आप वेट करिए, पहली एक दो रेन होते ही राइजोम फुटान करेगा और फिर से अंडरग्राउंड जो पोर्शन है उससे एक नया शूट निकल आएगा। इसलिए बांस के मामले में आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, क्योंकि बांस बहुत कम मरते हैं। अगर बांस नहीं मर रहा है तो आपको उसके हिसाब से उनको जिंदा मानते हुए कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट की आपको व्यवस्था करनी है, और बांस के मरे हुए गड्ढों को फिर से नहीं खुदवाना है। अगर आप खुदवाएंगे तो अंडरग्राउंड राइजोम एक्सपोज हो जाएगा और रियल डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि रियल वो तभी उसका डेसिकेशन होगा, उसमें ड्राइनेस आएगी जब आप उसको सन के अगेंस्ट में एक्सपोज कर देंगे। इसलिए ध्यान रहे बांस के केस में आपको वेट करना है, और जो नॉन बेम्बू स्पीसीज हैं उनके आप 1+3 में कोई जिंदा नहीं है, आप ओपन करवा दीजिए गड्ढे को। बांस वाले गड्ढे को आपको रेनी सीजन में ही, अगर नहीं हुआ है पौधा स्प्राउट नहीं कर रहा है रेनी सीजन में, सिर्फ तभी आपको उसको रीओपन करना है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे हम मोर्टेलिटी को रिप्लेसमेंट उसको हम कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सतीश सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। क्वेश्चन एंड आंसर खोलने से पहले मैं अनिल सर सावन जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर थोड़ा सा और ऐड करना है अनिल जी, वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक ओवरऑल रिकैप जैसा अगर हमको थोड़ा सा समझा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट्स जो रीवेजिटेशन की प्रक्रिया में हमें ध्यान रख। साधा मैडम एक लाइन और मैं ऐड करूंगा सिर्फ, जी जी, पिट्स में जो पौधे मर गए वही कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट नहीं है, सोइंग में भी अगर रिजल्ट कहीं पुअर रहा है तो आप थोड़ा रीसोइंग भी कर दीजिए, वो भी उसी का है, वो भी कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का ही हिस्सा है, तो रीसोइंग भी इसका ही एक पार्ट होगा। सीड का जो ग्रासेज करना है तो ट्रेंचेज पे अगर आपका सोइंग फेल हो गया है तो आपका जो डिचेज आपका या कोई भी ऐसा पौधा जो हमने सीड के द्वारा किया था कहीं भी लगाया था उसके भी रिजल्ट पुअर है या परफॉर्मेंस स्लो है, आप वहां भी नया सीड बो सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सहना। सो एक और चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट के लिए बजट नहीं है, लास्ट ईयर आपने जो प्लांटिंग किया है और उसके लिए आपके पास बजट नहीं है या फिर बहुत कम बजट और कम संसाधन उपलब्ध है, तो आप
जो भी स्पीशीज मरी है, जो भी स्पीशीज का कैजुअलिटी हुआ है, उसकी जगह आप वाइल्डलिंग लगा सकते हैं। वाइल्डलिंग क्या होता है? वाइल्डलिंग मतलब जो पौधे जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठा होकर कहीं उग गए हैं और जिनके बचने की संभावनाएं कम है ना। हो सकता है पेड़ के नीचे, जैसे आम के नीचे आम के पेड़ उग जाते हैं, महुआ के नीचे महुआ के जो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, जामुन के नीचे जामुन के हो जाते हैं। तो उन पौधों को आप अपरूट करके उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक लो कॉस्ट रीजनरेशन मेथड होगी। इसमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आप जब भी वाइल्डलिंग ट्रांसप्लांट करें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जिस भी प्रजाति के बीज जो पौधे हैं जो जंगल में उगे हैं, उनको जो अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो पहले देख लीजिए कि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी ना गई हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का पौधा ही होना चाहिए। जैसे बरसात के 10 से 15 से 20 दिन हुए तभी उसको देख लीजिए, वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। जो अगर ज्यादा डीप रूट चली गई है तो फिर आप उसको अपरूट करेंगे तो उसके अपरूट होने के टाइम पर उसके हेयर जो रूट हेयर है वो टूट जाएंगे, तो फिर उसका सर्वाइवल का मतलब कम हो सकती है सर्वाइवल। और इस तरह का वाइल्डिंग ट्रांसप्लांट करने के लिए आप कोशिश करें कि जिस दिन बरसात हो रही है, तो अगर बरसात नहीं हो रही है तो आप क्लाउडी डे, जिस समय जिस दिन बहुत ज्यादा घने बादल हो, बादल वाला दिन करें। जो अगर बादल भी नहीं है तो सुबह और शाम के समय करें। किसी भी पौधे को अपरूट कीजिए। अपरूट करने के बाद एक पॉलिथीन का एक बैग रखिए, मतलब उसमें हवा पूरा पैक होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी डाल दें, है ना, और फिर सारे जो पौधे अपरूट कर रहे हैं उसको उस बैग में डालते रहे और उस बैग को ऊपर से एयर टाइट करके हाथ से बांध बांध के चले। इससे क्या होगा, इवोपरेशन नहीं होगा, हेयर नहीं मरेंगे और उसको सेम डे पर आप तुरंत से जो खाली पीठ है वहां पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान और लो कॉस्ट मेथड है जो मोर्टेलिटी रिप्लेसमेंट में काफी मदद करती है। एक और है कि आप जहां पर मोर्टेलिटी हुआ है उस पीट में और उस पीट के थावले पर भी, जैसा सर ने बताया, सीड भी लगा सकते हैं। तो दो मेथड बहुत इजी और आसान है। एक और चीज ध्यान देने लायक है कि जब आप पूरे मेरी आवाज आ रही है, सहना आवाज आ रही आ है रही है, आ रही है, आ आ रही है रही मेरी। है जी, तो तो आ रही है। एक और चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे, मान लीजिए मैंने 10,000 पौधे लगाए, उसमें से 1,000 पौधे मर गए। अब मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति मरी है, ताकि अगली बार मैं जब वापस से मोर्टेलिटी रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैं वही प्रजाति ना लगा दूँ। हो सकता है कोई एक प्रजाति के लिए कोई एक फैक्टर है जो उस पूरी प्रजाति को मार रहा है, वहां पर स्टेब्लिश नहीं होने दे रहा है। तो ये जानने के लिए आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। डेटा किस तरह का डेटा, कि मैं इस बार जो पौधारोपण कर रहा हूँ तो उसका एक सिंपल सा एक नक्शा बना लूँ कि इस मेरे इस पेच में जो फॉरेस्ट का ये पेच है या चारागाह का ये पेच है, उस पेच में मैंने इतनी इतनी स्पीशीज लगाई और उनका सबका एक ड्राइंग बना लूँ, रफ ड्राइंग। उस ड्राइंग को जो अगर आप बना लेंगे तो उससे आपको ये फायदा रहेगा कि हाँ मेरी कौन सी प्रजातियां हैं, कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा मर रही है और क्यों मर रही है, तो अगली बार आप उसको लगाने से बचेंगे। तो एक इस चीज को भी आप जो कर करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और जैसा कि सहाना जी ने बोला कि डू एंड डोंट्स वाला जो अगर शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, तो मैंने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आप थोड़ा सा स्क्रीन के लिए अलाउ करेंगे सहाना जी? जी बस एक सेकंड सर, मैं कर रही हूँ। जी तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें, तो हाँ, उनको हम आप शेयर कर कैसे। सकते। जी थैंक यू। तो जो बेसिक चीजें हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, जैसे हिमानी ने भी बताया गोल्डन रूल, उन्हीं गोल्डन रूल को थोड़ा सा अलग तरह से बताना चाहूंगा कि क्या हम मेजर्स लें, क्या तरीके करें जो हमारा सर्वाइवल अच्छा हो। तो करेक्ट स्पीशीज वाला एक है जो हिमानी ने डिटेल में बताया, करेक्ट प्लेसमेंट कि कहाँ पर प्रजाति को सही स्थान पर लगाना, है ना। जैसे जो एक उदाहरण, जो एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि
जहां पर पानी हो वहीं पर हम धान लगाते हैं, और जहां पर थोड़ा कम पानी हो वहीं पर हम मक्का लगाते हैं, है ना। तो इस चीज को, जो इस प्रिंसिपल को, जो हम खेती में जो अगर याद कभी नहीं भूलते, तो जंगल में भी जो अगर हम चारागाह में भी जो अगर पौधारोपण कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रिंसिपल को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। समय पर ध्यान दें कि जो अगर आपका पीटिंग, आप सबसे महत्वपूर्ण आपका जो अगर प्लानिंग, आपको अगले साल जो अगर किसी चारागाह में ग्रास सीडिंग करना है, तो आपको इसी अगस्त से प्लानिंग करना होगा, नहीं तो आपको बीज नहीं मिलेगा। तो अगले साल जो अगर जुलाई का ग्रास सीडिंग करना है, तो इस अगस्त में आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपको जुलाई में पौधारोपण करना है, तो आपको दिसंबर में प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग मजबूत हुई, तो आपको करेक्ट टाइम का समस्या नहीं आएगी, करेक्ट मेथड। कई लोगों को ये फोटो देखकर लगता होगा कि बहुत अच्छा है, कितना बड़ा साइज का गड्ढा है, मगर आप एक इस फोटो में जो अगर ध्यान दें, तो इसके ऊपर छांव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पौधा किसी पौधे के नीचे, पेड़ ऑलरेडी एक पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके नीचे लगा रहे हैं। तो ये करेक्ट सही प्लेसमेंट नहीं है। मेथड सही हो सकती है, मगर प्लेसमेंट सही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। ट्रांसपोर्टेशन की, एक जो सबसे बड़ा एक है, जो मैंने जो देखा कि लगभग लगभग 10% मोर्टेलिटी, जो टोटल पौधे मरते हैं, उसमें 10% मोर्टेलिटी के लिए ये फैक्टर जिम्मेदार होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी आप ट्रांसपोर्ट करें पौधों को, तो एक जब पौधे आप नर्सरी से ले रहे हैं, तो नर्सरी में ही उसको पानी पिलाएं, पूरा अच्छे से पानी पिलाएं। जब आप साइट पर पौधों को उतार रहे हैं, उतारने के तुरंत बाद उसको पानी पिलाएं, छांव में रखें पौधों को, पशुओं से बचा के रखें। और कोशिश करें कि जब पौधे ट्रांसफर करें, तो क्लाउडी डे, जिस दिन बादल हो उसी दिन पौधों को ट्रांसफर करें, और वही जो अगर बादल नहीं है, तो सुबह और शाम के समय पर हम पौधों को ट्रांसफर करें। कोशिश कीजिए जितना नजदीक की पास की नर्सरी हो वहां से लेकर जाए। एक दूसरों के ऊपर, पौधे के ऊपर, कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को रख देते हैं, वो मोर्टलिटी का एक बड़ा कारण होता है। उसमें जर्क ज्यादा लगते हैं, पौधों की जो मौत होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखें, तो सर्वाइवल अच्छा रहेगा। देखिए, इस तरह का गलती ना करें, जैसे मैं बता रहा था कि जो फर्स्ट वाला फोटो है, जिसमें एक के ऊपर एक तीन लाइन में पौधे लगे हैं, जबकि इधर वाले ट्रैक्टर वाला जो अगर आप देखेंगे, तो उसमें केवल एक लाइन में पौधे। तो इस तरह की चीजों को अपनाएं, ये एक सबसे बड़ी लोग गलती कर देते हैं, पूरा इतना मेहनत करते हैं, और फिर लास्ट में जब ट्रांसपोर्टेशन में ही गड़बड़ हो जाती है। इन चीजों से बचें। कुछ जो थोड़े से कुछ उदाहरण देकर बताए हैं कि जो अगर हम बच्चे को सुलाते हैं, तो ढाल के किस तरफ रखते हैं उसको, हमेशा हम उसका सर ढाल के उल्टी दिशा में कभी भी नहीं रखते, हम ढाल के ऊपर की दिशा में रखते हैं। तो वैसे ही ये जो जो सैपलिंग है, जिसको आप सीड सैपलिंग जिसको आप प्लांट करने जा रहे हैं, वो भी एक पेड़ का बच्चा है, झाड़ी का बच्चा है, तो उसको भी हमेशा अपसाइड रखें, उसका जो हेड है, बायोलॉजिकल जो एंड है, उसको ऊपर की तरफ रखें, और रूट को नीचे की तरफ ऐसे ढालू जगह पर जो कर रख रहे हैं। पहली बात तो पौधे को कभी सुलाना ही नहीं है, और जो अगर जरूरत पड़ भी रही है, तो इस तरह से उसको रखें। कई बार पौधे देखिए, एक एक बड़ा बड़ा एक लोग है कि सब कुछ ठीक किया, स्पीशीज का सिलेक्शन सही किया, ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान रखा, प्लेसमेंट का भी ध्यान रखा, पौधे का साइज का भी ध्यान रखा, सब कुछ करने के बाद भी मोर्टलिटी हो रही है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे अब ये पौधे को रखा है यहाँ पर थावले के ऊपर रखा है, उसको बीच कमर में से, जैसे बच्चे की कमर के नीचे हम बेलन लगा के सुलाएंगे तो नहीं सोएगा, है ना, उसको परेशानी होगी, टूट जाएगा उसका सीड। जैसे जो पौधे का जो सीड बॉल है, जो मिट्टी का जो बॉल है, अर्थ का जो बॉल है, वो टूट जाएगा। वो टूटेगा मतलब वो नहीं टूट रहा, उसके साथ जो रूट हेयर है वो टूट रही है ना। तो इसलिए मोर्टलिटी, तो इस तरह से जो दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है कि हमेशा पौधे को जो रखने की जरूरत भी पड़ रही है, तो इस तरह से स्लोप में उसके सर को ऊपर की तरफ रखे और उसकी जड़ को नीचे की तरफ रखे, इस चीज को विशेष ध्यान देना जरूरी है। आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर ने कभी पत्थर से, नाखून से कभी ऑपरेशन किया है, वो हमेशा कुछ स्पेसिफिक औजार का ही इस्तेमाल करता है। हर चीज के लिए हर स्पेसिफिक औजार है, कपड़े सिलाई के लिए सुई की ही जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम पौधारोपण के समय जो अगर थैली फाड़ना है, तो उसको नाखून से या पत्थर से क्यों फाड़ते हैं, उसके पीछे कोई कारण है, कोई ब्लेड का सुझाव दे रहे हैं या कटर का सुझाव दे रहे हैं, उसके पीछे कारण है।
जो अगर हम जब नाखून से ऐसा करते हैं तो जो बॉल है अर्थ बॉल, जो नीचे का जो पिंड है मिट्टी का, वो टूट रहा है, मतलब हमारी जो रूट है वो टूटेगी। रूट नहीं टूटेगी, कई बार लोग बोलते सर इसकी तो रूट भी नहीं टूटी, मगर क्या हम उसको वो जो माइक्रोस्कोपिक रूट पे जो छोटी छोटी सी जो बाल होते हैं जिनको रूट हेयर बोलते हैं, वो टूट जाए, वो टूटी मतलब वो पौधों की पानी पीने के लिए वो मुंह है। मान लीजिए किसी का मुंह ही तोड़ दे तो पानी कहाँ से पिएगा, तो पौधा फिर इस कंडीशन में पौधे की मृत्यु होने की चांसेस, मोर्टलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीजें बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो छोटी छोटी गलतियां हैं। जैसे अब पौधे को जो अगर हम प्लांटिंग करते हैं, जब हम पौधा मिट्टी में डालते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, कई बार कई जगह पर बाय मिस्टेक जो जो भी पौधा रोपण में जो लोग शामिल होते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, थैली को फाड़ते नहीं और थैली सहित लगा देते हैं। एक ये गलती नहीं करना चाहिए। एक और है कि जो गड्ढा खुदा हुआ है उस गड्ढे में नीचे बिना बेड बनाए ही पौधा लगा देते हैं, एक ऐसी गलती नहीं करना है। नीचे पहले प्रॉपर 2 से 3 इंच का मिट्टी का बेड बनाना, आपको 4 इंच का भी हो तो बहुत अच्छा है बेड, मतलब ताकि जो नई रूट निकलेगी इस पौधे की उसके लिए थोड़ी सी मुलायम मिट्टी हो, वो अपनी रूट को स्प्रेड कर सके। जो फर्स्ट रूट निकलती है तो वो उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए, है ना, इसीलिए तो हम पीट खोदते, नहीं तो हम सीधा पीट खोद पहले से पीट खोदते, नहीं तो पहले से पीट खोदने क्या जरूरत है। तो इसलिए एक गलती करते हैं लोग कि पौधे को, अभी कुछ फोटोज आ रहे थे कुछ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, एक बरगद का पौधा लगाया और उस बरगद के पौधे को इस तरह से जो पीट खोदा उस पीट के अंदर उसका कॉलर तक अंदर गई है, मतलब वो बरगद का पौधा पानी के डूबने से मरेगा। जिस दिन बारिश आई और 3 4 दिन तक कंटिन्यूअस बारिश रही तो वो मिट्टी के अंदर है, गड्ढे के अंदर है, उसकी जो कॉलर है कॉलर अंदर डूब चुकी है, तो वो उसमें मरने की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं के पौधा लगाएं तो जो नीचे कम से कम 3 से 4 इंच का बेड बना दे नरम, और फिर उसके बाद पौधा लगाए, थैली के साथ ना लगाए। एक करेक्ट मेथड का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है, जो अगर आप ये लेफ्ट राइट वाला जो पौधा देखेंगे उसमें एक चौकोर आकार की आकृति बनी है, दरारें बन रही है ये, है ना। ये आकृति क्यों बनी, ये आकृति इसलिए बनी कि जब पौधा लगा था उस समय जिसने भी लगाया उसने उसको प्रॉपर उसको कॉम्पैक्ट नहीं किया था, जो एडी से जो हमेशा जो डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं कि आपको पेरिफेरी से सेंटर की तरफ एडी से दबाते हुए आना है, वो नहीं करेंगे तो ये जो इस तरह का जो जो आसपास जो दरारें बनी है ये बनेगी, और ये दरारें जो अगर बनी है तो फिर क्या होगा, उसमें से अंदर एयर जाएगी, एयर जाएगी तो जो हेयर रूट है वो सूखेंगे और मरेंगे। और एक और चीज जो है कि जो कैपिलरी एक्शन जो होता है वाटर का जो ऊपर आने का वो भी खत्म हो जाता है, तो दोनों के कारण पौधे के सर्वाइवल में असर आता है और ज्यादातर केसों में पौधे मर जाते हैं। अगर इस तरह का कई बार ऐसा होता है कि इन केस इस तरह की दरारें दिख रही है और उसी समय बारिश आ गई तो ये दरारें भर जाती है ना। अगर जो अगर 1 2 दिन लगातार बरसात नहीं आई, सूखा रहा, तो उस समय पौधे की मोर्टेलिटी का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ जो इन्वेसिव स्पीशीज है उनको लगाने से बचे। कई बार हमें जो एक चीज है कि पंचायत या ग्राम पंचायत या कहीं पर कोई कोई अदर एजेंसी बोलती नहीं नहीं कुछ कुछ पौधे तो हमें वो फूलों वाले लगा देना चाहिए, मगर हमें पता नहीं कि वो कुछ पौधे क्या करेंगे। ये जो पौधा दिख रहा है आपको, इसको राजस्थान में रेलिया बोलते हैं, डोडोनिया विस्कोसा, इसकी एक और ये स्पीशीज है डोडोनिया अंगस्टिफोलिया। कहीं पर किसी ने लगा दिया कि नहीं नहीं साहब 2 4 पौधे तो लगा ही दें, आज मतलब 100 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन में जो दिख रहा ये पौधा पूरी तरह से डोमिनेट्स कर रहा है। ये किसी बर्ड के लिए हैबिटेट नहीं है, किसी को फूड प्रोवाइड नहीं करता, ना फोडर है। हाँ लोग थोड़ा बहुत इसके लिए बहुत ही कम मात्रा में फायरवुड मिलता है, तो ऐसी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अनिल सर, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, आपने काफी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको एक्सप्लेन किया है। हिमानी ने एक सीड कैलेंडर चैट में भी लिंक डाला है, जिसको बनाने में अनिल सर का भी काफी बड़ा हेल्प रहा है, उन्होंने ही ये पूरा प्रोसेस को लीड किया है। तो अनिल सर, अगर थोड़ा सा आप इसको भी दिखाते हुए अगर एक झलक
दिखाना चाहेंगे सबको, और कि इसमें आपने कैसे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है, तो वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। शेयर करेंगे क्या? हाँ हाँ सहना मैं शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड मैं कर देती हूँ। दिख रहा है? हाँ जी। तो इस कैलेंडर का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब जब एक तो एक चीज है कि पीक सीजन आता है इंडिया में सीड कलेक्शन का, एक छोटा पीक सीजन है एक बड़ा पीक सीजन है जब जहाँ ज्यादा मात्रा में सीड उपलब्ध होते हैं ज्यादातर प्रजातियां। तो एक पीक सीजन स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल मई जून, ये 3 महीने होते हैं जिसमें ज्यादातर जो भारत की जो प्रजातियां हैं पेड़ों की और झाड़ियों की उस समय बीज पैदा करती है। एक पीक सीजन है हमारा दिसंबर से तो जनवरी फरवरी 3 महीने, इस समय पर ज्यादा बीज होते हैं। अब हमें केवल पीक सीजन का वेट नहीं करना है और ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं और से नहीं, आप अपने खुद क्षेत्र का भी बना सकते हैं। और पीक सीजन का वेट नहीं करना है क्योंकि कुछ स्पीशीज है जैसे वो पीक सीजन में नहीं आती, उनके बीज कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आते हैं और चले जाते हैं। तो और इस कैलेंडर में हो सकता है बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं हमारे भारत में, बहुत मतलब बहुत सारी स्पीशीज है तो स्पेस के कारण इसमें उन चीजों को जगह नहीं मिली है। स्पेशली केवल ट्री के का है, श्रब का और क्लाइंबर के बीजों का इसमें कमी है। तो वो आप अपने क्षेत्र का लोकल कैलेंडर भी बना सकते हैं, है ना। जो अगर हम रिस्टोरेशन करते हैं तो केवल ट्री लगा देना रिस्टोरेशन नहीं होता है ना, उसमें हमें झाड़ियां भी लगानी है, जो जैसे करौंदा है ना, हाँ जैसे रिस्टोरेशन करौंदा के अलावा हमारा जो रिसोड़ा कुछ की स्पेसिफिक और जो प्रजातियां झाड़ी बेर हैं इस तरह की देखो प्रजातियों को देखो भी लगाना चाहिए। क्लाइंबर अलूका है, लताएं, ओके बेल नहीं जिनको बोलते हैं, उनके बीजों को भी लगाना चाहिए। तो उन चीजों का आप अपने करौंदा की क्षेत्र जब के, करौंदा ये की कोई जब अंतिम पहाड़ी जा नहीं है, आप अपने क्षेत्र का बनाएंगे कैलेंडर हाँ बिल्कुल पहाड़ी तो भाषाओं बहुत का अच्छा रहेगा। आप भाई लोगों को जो अगर किसी यहाँ को पर लगती स्टेट है मतलब स्पेसिफिक या ऐसा कुछ बनवाना यकीन है है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, मगर आपसे उसमें दोनों तरफ से मदद की जरूरत पड़ेगी कि आप आपके यहाँ की प्रजातियों के नाम लिख भाई कर दें अगर कि इस महीने में पहाड़ी आपको एनिमल साल चाहिए भर तो वेट करना पड़ेगा भाई या इसके फिर जो भी जानकार व्यक्ति है उन लोगों से जानकारी लेना पड़ेगी कि से कौन से कितना है महीने में हमारे यहाँ कौन से प्रजातियों के बीज आते हैं, फल आते हैं और फूल आते हैं। फूल और फल दोनों का जानकारी रेस्टोर लेना करता जरूरी है, उससे एक अंदाजा बेहतर लग जाता है। गुरु भेश्वर का वन तो विभाग उसमें हम इस तरह का हेल्प कर सकते हैं। के ऊपर अंदर ही वो लोग और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जो अगर आपको हाँ अगले नर्सरी है साल यस जो अगर घास का बीज बोना है तो उसके बस लिए बस आपको प्लानिंग अगस्त से करना है। क्यों करना है अगस्त से प्लानिंग? मैं अपने क्षेत्र के जहां से मुझे सीड मिलेगा उस सीड बैंक को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर ज्यादा मात्रा में सीड उपलब्ध है जो कि हार्वेस्टेबल है। जो अगर हम किसी को किसी आदमी को लगाकर हार्वेस्ट करवाएं तो उस आदमी को भी उतना अमाउंट में पैसा मिल पाए, नहीं तो पता चला कि वहां बीज ही नहीं है और वो जो आदमी हार्वेस्ट कर रहा है उसको भी पैसा ज्यादा जा रहा है। तो इस छोटी चीजों को इस तरह की चीज का ध्यान रखना है। पेड़ का भी झाड़ियों का भी इस तरह से हमें देखना है कि हमारे क्षेत्र में जहां पर भी हाई डाइवर्स जोन है ना, एक तो उन चीज उनको मार्क करके रखें। कुछ प्रजातियां जो बहुत ही रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड है उन पेड़ों को उन झाड़ियों को उन लताओं को भी मार्क करके रखें और लिखित में रखें उसको, कि गांव में हो सकता है कि गांव के जो समिति का जो रजिस्टर है उसमें दर्ज करें, या फिर जो गांव का जो विलेज इकोलॉजिकल रजिस्टर बना ले हैं, या फिर जो गांव का बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बुक होता है, या फिर जो हमारी टीमों में कहीं पर इसको लिख कर रखे कि ये रेयर इंडेंजर्ड थ्रेटेंड टी यहाँ पर उपलब्ध है, वो उसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर रखें, उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके अक्षांतर देशांतर लेकर रखें, ताकि आप या आपको कोई साथी भी दूसरा भी वहां जाकर उसको सीट को कलेक्ट कर सके। और सारे जंगल से हमें सीट कलेक्ट नहीं करना, कुछ नेचर के लिए भी छोड़ना है ना। तो ऐसी जगह से ही बीज इकट्ठा करें जहां से ज्यादा ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? सर आप म्यूट पे हैं, एक बार आप खाली अनम्यूट कर देंगे तो। सचिव सर आप अभी भी म्यूटेड हैं।
मैं बस इतना सा ही जोड़ना चाह रहा हूं कि जो भी हम बीज इकट्ठा करें, जो सुपीरियर ट्रीज हैं पूरे लॉट में, जो बेहतर हैं, अच्छे हैं, मीडियम एज के हैं, हेल्दी हैं, उन ट्रीज से ही आप बीज इकट्ठा करें। और इकट्ठा करके बहुत सारे हमने पहले बताया, बीजों को प्रॉपरली क्लीन करें, क्लीन करके उनको ड्राई करें, ड्राई करके उनको या तो यूज करें या प्रॉपरली उनको स्टोर करें, ताकि आपका वेस्टेज नहीं जाए बीज का। और उनको ये देखें कि उनको यूज उनकी डेप्थ से पहले यूज कर लें, क्योंकि हर बीज की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। उस शेल्फ लाइफ से पहले पहले नर्सरी में यूज करना है तो नर्सरी में यूज कर लें, प्लांटेशन में ट्रेंचेज में बोना है, आपको सीड बॉल बनाना है, जो भी करना है, हर सीड की जो शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले उसको यूज कर लें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सतीश सर, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। अभी हम Q&A सेशन के तरफ जाते हैं। कुछ सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं Q&A बॉक्स में, तो मैं हिमानी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा ये Q&A सेशन को फैसिलिटेट करे। बाकी उसके अलावा आप अगर अभी भी आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे और आप सीधा सतीश सर और अनिल सर से बात कर सकते हैं, या नहीं तो आप Q&A बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो ओवर टू यू हिमानी। थैंक यू सहना। तो हम अपने पहले सवाल, आज के पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सर अनिल और सर, हमारा पहला सवाल है कि हमें मरे हुए जो पौधे रहते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए क्या हम वाइल्डलिंग का उपयोग कर सकते हैं क्या? और अगर हम वाइल्डलिंग का उपयोग कर सकते हैं तो हमें ये कब करना चाहिए? देखिए, अगर आपने इस पूरी सीरीज को सुना हो, तो अगर हम 1+3 कर लेते हैं तो हमें काफी एक बफर मिल जाता है। और आमतौर पर कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का अगले साल सेकेंड ईयर में बहुत कम हमें करना पड़ता है। और मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी अगर पौधा मर गया है तो आप वाइल्डलिंग से भी कर सकते हैं, है? लेकिन आपको वाइल्डलिंग तो बहुत प्रॉपर उठाना पड़ेगा, ढंग से लेना पड़ेगा। और उसको लेने के लिए आप ये देखें कि अच्छी वर्षा हो गई है, एक शार्प आप खुरपी लीजिए, एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी उस पौधे को चारों तरफ से एक अर्थ वॉल छोड़ते हुए, उसको पुल नहीं करना है उसको, या उसकी रूट को एक्सपोज ना करें, आप उसके चारों थोड़ी सी मिट्टी को गोल गोल छोड़ते हुए एक गीला अर्थ वॉल उसके साथ इंटैक्ट रखें, उसकी रूट के चारों तरफ मिट्टी को छोड़ते हुए थोड़ा सा डिगिंग करते हैं, ठीक है? और एक मिट्टी का सिलेंडर, एक मिट्टी का चारों तरफ का गोला, उसकी जड़ से लिपटा हुआ आप उसको निकाल लें। और निकाल कर फिर क्या करें, आप एक प्लास्टिक की थैली में उसको रख लें और उसको उसके बड़ी शांति से लाएं, या वहां पर कोई भी घास है, सूखी या हरी घास है, सूखी या हरी घास, या आपके पास पलाश के, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, या वो भी नहीं है तो बरगद के पत्ते हैं, ऐसा पत्ता जो टूटे नहीं, जिसमें प्लायबिलिटी है, प्लास्टिसिटी है, जो प्लास्टिक की तरह काम करे, ऐसा पत्ता उसके लपेट कर साथ में थोड़ी सुतली भी ले जाएं, हल्का सा सुतली से जेंटली उसको रैप करते हैं, उसको बांध दें, और इस तरह आपका एक कोटिंग बन गया। तो आप थैली में भी कैरी कर सकते हैं, जैसे हम बाजार से सब्जी लाते हैं, या आप पत्ते में उसको लपेट कर भी ला सकते हैं। और लाते ही अगर आप प्लास्टिक की थैली में रख के लाए हैं तो उसे लिफ्ट करके गड्ढे में उतार दीजिए, और अगर आप पत्ती में रख के लाए हैं तो आप पत्ती सहित उसको आप प्लांटिंग कर दीजिए, वहां आपको पत्ती को हटाने की जरूरत नहीं है, सुतली को भी हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने प्लास्टिक को यूज किया बांधने में, प्लास्टिक की सुतली, प्लास्टिक का डोरी यूज की है, उसको जरूर हटाए, प्लास्टिक का कोई आइटम नहीं रखें, क्योंकि वो उसमें रॉटिंग नहीं होगा। और उसको गड्ढे में रखते हुए ठीक उसी तरह लगाएं जैसे कि आपने थैली में से लाए हुए नर्सरी के पौधों को यूज किया है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और खुदाई करने में अगर दिक्कत आती है तो एक उपकरण आता है जो ट्रांसप्लांट करता है, उसमें क्या होता है, एक लोहे की चद्दर होती है, लोहे की चद्दर, उसकी लंबाई होती है 2 फुट, ऊंचाई होती है 1 फुट, और इसमें दोनों तरफ गोल गोल हिंज होते हैं, इन दोनों हिस्सों को मिलाते हैं और एक सरिया डाल देते हैं तो गोल पाइप बन जाता है लोहे का, और अब सरिये को हम पुल करके हटा लेते हैं तो वो फिर फ्लैट हो जाता है चद्दर। तो जिस पौधे को हमको उखाड़ना है, हम उस फ्लैट चद्दर को रोल करते हुए
गोल करते हुए उसके हिंज को मिलाकर उसमें सरिया, जैसे स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बुनने की जो सलाई होती है ऐसा एक सरिया होता है, वो सरिया डालते हैं तो वो हिंज आपका खुलेगा नहीं, वो गोल पाइप यूं का यूं रहेगा। उस गोल पाइप को उस पौधे को उड़ा देते हैं और धीरे धीरे उस पाइप के बाहर हम खुदाई करते जाते हैं, पाइप को लोहे के उस चद्दर के पाइप को दबाते जाते हैं ताकि पिंड उसके अंदर समाता चला जाता है, और खोदते 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 जब ऐसा लगे कि अब 8 इंच 9 इंच 10 इंच खुद गया है, यानी हम रूट के लास्ट हिस्से तक पहुंच गए होंगे, अब रूट को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आप उसको एक साइड से थोड़ा सा जोर देते हुए आप उसको उठा लीजिए। इस तरह से भी आप कोटिंग को उठा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो पिंड हमने जमीन से लिया है मिट्टी का, वो पिंड आपका नहीं टूटेगा। इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। और जैसा अनिल जी ने कहा था, अगर एक जगह बहुत सारे छोटे छोटे पौधे खड़े हुए हो तो सबको मत हटाइए, आप नेचर को एक दो वहीं छोड़ दीजिए ताकि नेचर अपना नेचुरल रीजनरेशन, प्राकृतिक पुनरुद्भवन कर सके। हमें बिगाड़ना नहीं, हम तो इकोलॉजी वाले आदमी हैं, हमको नेचर को भी सपोर्ट करना है, और जहां हम पौधा लगाना चाहते हैं, जहां कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, उस गड्ढे को भी हम भरना चाहते हैं, यानी हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन भी करेंगे और हम नेचुरल रीजनरेशन को सपोर्ट भी करेंगे। इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा, किसी बिल्डिंग पर, घर की दीवार में, घर की छत पर, पानी की टंकी के नीचे पुराना कोई बरगद पीपल उगा हुआ है, चाहे वो 10 साल पुराना हो चाहे 1 साल पुराना हो, आप उसको रफली बेरहमी से अभी हटाएंगे कोई बात नहीं, डरने की जरूरत, उसकी जड़ भी टूट गई है कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनको आप किसी ठंड के दिनों में जब वर्षा हो रही हो, क्लाउडी डे हो, आप उनको ले आइए और उनको भी आप गड्ढे में लगाएंगे तो वो भी आपकी बिल्डिंग भी बच जाएगी। और जो कहते हैं ना साहब पीपल को बरगद को हटाना पाप का काम है, वो पाप भी नहीं होगा, बिल्डिंग बच गई और आप एक जगह पौधे को भी लगा देंगे। इस तरह से भी हम कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट में उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे पौधों कहते हैं रुडरल फ्लोरा, कोई भी रुडरल फ्लोरा के रूप में किसी पुराने मंदिर पर, किसी पुरानी बावड़ी पर, पुरानी मस्जिद पर, किसी कैनाल पर, किसी कंस्ट्रक्शन पर, फैक्ट्री पर, कहीं भी ऐसे पौधे उगे हुए हो, या किसी प्लांट पे, ट्री पे उग रहा हो, दूसरे ट्री पे भी उग रहा हो, आप वहां से भी उसको हटाकर जेंटली ला सकते हैं। थोड़ा टूट गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम उस पौधे को कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सतीश सर। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल हमारा है, कैन वी डू वाइल्डिंग प्लांटिंग इन द वाइल्डिंग इन प्लांटिंग ईयर, तो क्या पौधारोपण वाला सब पौधारोपण के समय ही हम वाइल्डिंग का भी प्लांटिंग या वाइल्डिंग का भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वही सीजन है, वो भी प्लांटिंग है, है ना? तो आप थैली वाला, वाइल्डिंग वाला, वाइल्डलिंग या ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह लाना, वो सब एक ही, क्योंकि प्लांटिंग सीजन तो सब एक का ही है, प्रोसेस भी एक है, प्लांटिंग सीजन भी एक है, सारी चीजें वही हैं, वो थैली में लगा हुआ है, वो थैली में नहीं लगा हुआ, बस इतना तो फर्क है, बाकी उसके लिए कोई अलग स्पेशल टाइम नहीं है, स्पेशल मेथड नहीं है, दोनों काम एक साथ ही करने हैं, एक साथ। इसलिए वाइल्डलिंग पहले से देख के रखिए, आपका रूटरल पहले से देख के रखिए, शॉर्टेस्ट रूट को देख लीजिए और ऐसा लूप बनाइए कि एक साथ आप 10-20 ले आए, एक एक के लिए जाएंगे तो आपका ट्रेवलिंग का टाइम ज्यादा होगा, है ना? तो आप ये देखेंगे, हाँ इस रूट पर मैं एक साथ आऊंगा तो 2 घंटे में 4 कलेक्ट कर लूंगा, इस रूट में मैं 1.5 घंटे में 10 ले आऊंगा, इस रूट को एक लूप में मैं 20 ले आऊंगा, ताकि हमारा समय बच जाए। तो इस तरह बिल्कुल इसी समय, यही सीजन, सीजन चल रहा है, सीजन शुरू हो गया है, आप इसको कर लीजिए, ये करने का सही वक्त है। हाँ, अगर आप नेचर से लिए हुए पौधे को प्लांटिंग में यूज नहीं कर नर्सरी ले जाना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ी सी लिबर्टी है, आप थोड़ा सा लेट भी हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन कर लें रेनी सीजन में, उसे पहला प्लांटिंग करें, क्योंकि प्लांटिंग जमीन में होगी, इसको लेट मत करिए। नर्सरी में तो आपके पास इरीगेशन की फैसिलिटी है, अगर वो थोड़ा सा लेट भी हो गया तो इरीगेट करके वहां आपको जिंदा रख लेंगे। पहले फील्ड का प्लांटिंग पहले करिए, नर्सरी में कैरी करना चाहते हैं, घर में किसी गमले में लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लेट भी हो गए तो अभी चलेगा, लेकिन उसको भी आप अगस्त तक कर लीजिए। थैंक यू सर। अनिल सर, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जब भी हम सीड कलेक्ट करते हैं, सीड कलेक्शन के बाद जो क्वालिटी, कैसे पता लगता है कि ये क्वालिटी सीड्स हैं,
अगर हमको उस पौधा रोपण करना है, सॉरी, हमको अगर उसको सीडिंग करना है, तो विदाउट जर्मिनेशन टेस्ट किए बिना हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि उस वो बीज का क्वालिटी अच्छा है? अनिल थोड़ा बताना। देखिए सर, मैं एक ऐड करना चाहूँ। हाँ तो जी, सबसे पहले तो ये चीज इंश्योर कीजिए कि जो आपके पास जो बीज है वो मेच्योर है या प्री मेच्योर, उसको हार्वेस्ट किया है ना। जैसे आप जो अगर महुआ का सीड देखेंगे तो मेच्योर और प्री मेच्योर सीड में आपको सीधा सा अंतर पता चल जाता है। जो प्री मेच्योर सीड है वो बाकी मेच्योर सीड के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुलायम होता है ना, और छोटा साइज होता है। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है मेच्योर है या प्री मेच्योर सीड है। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास जो भी प्रजाति के सीड है आपको उसका जर्मिनेशन परसेंटेज पता होना चाहिए, पर्टिकुलर हर एक स्पीशीज का, है ना। कि मान लीजिए कि बबूल है कि तो बबूल का 70 से 80% जर्मिनेशन रेट है, पलाश का आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है 80 के ऊपर है। तो आपको ये जर्मिनेशन परसेंटेज पता है तो आपको, जैसे कुछ स्पीशीज है जिसका 50% ही है जर्मिनेशन परसेंटेज, तो आपको पहली चीज में ही आपको क्लियर हो गया कि आपको जो अगर 50% जर्मिनेशन परसेंटेज है उसका, तो आपको एक जगह पर दो बीज बोना है। आपके 50% जो बीज है उसकी मोर्टेलिटी की संभावना, प्रबल संभावना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। एक चीज है कि जब बीज जो अगर हम आप उठाकर देखेंगे तो बीज में कई बार इंसेक्ट लगे होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे छोटे छोटे से होल बन जाते हैं, जिसको कई जगह पर बोलते हैं कि बीज सुल गया है, सुल गया, फिर उसमें कीड़ा लग गया है, एक वो चीज ध्यान रखना है। एक चीज, आप जब बीज देखेंगे तो प्रॉपर जो ड्राई हुआ बीज नहीं है, और कई बार लोग उसको पॉलिथीन में पैक कर देंगे, कर देते हैं, तो फिर उसमें फंगस लग जाता है, रोटिंग स्टार्ट हो जाता है और स्मेल आने लगती है। आप बाहर आपने जो अगर उसको रखा और थैली को जैसे ही खोला तो उसमें से स्मेल आने लगी, इट मीन्स कि बीज में अंदर से उसका एम्ब्रियो भी मरने की प्रॉब्लम, संभावनाएं बढ़ चुकी है। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है। बीज सभी बीजों में से देखिए कि कौन से बीज ऐसे हैं जो हल्के लाइट वेट है। जो लाइट वेट बीज है तो समझ लीजिए कि वो प्री मेच्योर है, उनमें जर्मिनेशन के चांसेस कम है, तो उनको पहले ही हटा दीजिए। इसी तरह से कई सारे बीज होते हैं जिनमें जो पल्प लगा रह जाता है, जैसे बेर का बीज पल्प लगा हुआ है, तो उसमें फिर जो अगर आप बीज लगा भी देंगे तो उसमें भी रोटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी बीज है साफ सुथरा हो, पैथोजन फ्री हो, है ना, उसमें टूटा फूटा ना हो बीज, है ना। कई बार जैसे देख रहे कि बबूल का बीज लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग तरीके से मेथड अपनाते हैं। एक जो मैंने राजस्थान में देखी बहुत अच्छी मेथड है, वो सारे बीज बकरियों को खिला देते हैं, बबूल के बीज है उसकी पॉड लेके इकट्ठे करते हैं जंगल से और उस बकरियों को खिला देते हैं, और सुबह का इंतजार करते हैं और बकरियां सारी जुगाली करके वो बीज निकालती है, तो वो सारे बीज कलेक्ट करते हैं। राजस्थान का ये कल्चर देखा मैंने, बीज बबूल के बीज का विशेष तौर पर। तो अब वो बीज ऑलरेडी सारे ट्रीटेड है, तो वो बीज एक मेथड है। एक तरीका क्या करते हैं कि बबूल की जो पापड़ी होती है उसको फोड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं, उससे क्या होता है कि बीज बीज में टूट जाते हैं, तो वो टूटे फूटे बीज को भी हमें सीडिंग में जो बीजारोपण है उसमें इस्तेमाल से बचना चाहिए। सर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँ, जैसे हम बाजार जाते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये टमाटर अच्छा है या टमाटर अच्छा नहीं है? हम बाजार जाए, हमें कैसे कि ये आम अच्छा है या अच्छा नहीं है? बस वो बीज अच्छा है या अनुभव आपको बता देगा। कुछ चीजें हैं, जैसे उसमें इनर्ट मटेरियल कम हो। इनर्ट मटेरियल मतलब जो बीज नहीं है, बीज का भूसा है, जो बिना काम चीजें हैं, उसके इनर्ट मटेरियल कहते हैं। 1 किलो में अगर आप पता लगा कि 900 ग्राम तो बीज है, तो 100 ग्राम उसमें ऐसी चीज है जो भूसा भरा पड़ा है, छिलका है, इनर्ट मेटेरियल कम हो। आप एक बीजों को 200, 100, 200 बीजों को उठाकर पानी में डालिए। एक लॉट में तो पानी में डालने पर 4 बीज तैर रहे हैं, एक में 20 तैर रहे हैं। इसका मतलब तैरने वाला हल्का है, यानी कि खोखला है। इसका मतलब जिसमें ज्यादा तैर रहे हैं वो इंफीरियर है, वो कम क्वालिटी वाला, घटिया क्वालिटी है। सारा बीज नीचे डूब रहा है, इसका मतलब हैवी बीज है, अच्छा बीज है, उससे भी आपको पता लग जाएगा। बीज में बोरर का प्रकोप कितना है, अगर यानी उसमें कीड़ा लगा हुआ, बोरर होगा तो छेद होगा। अगर बीजों में छेद है, इसका मतलब इंफीरियर है ना। तो ये भी चीजें हैं जो ये देखने के, फिर वेट करते हैं। 1 किलो में जितना आपका कम बीज चढ़ेगा, वो बीज हमारा हेल्दी बीज है, क्योंकि बीज के साइज, बीज
बीज का रंग अच्छा है, कर्वेचर अच्छा है, बीज का कर्वेचर, उसमें झुर्रियां नहीं पड़ी हैं, बूढ़े आदमी के चेहरे पे झुर्री और जवान आदमी के चेहरे पे झुर्रियां, तो बीज अगर अधपका है, कम है, तो आपका रिंकल्स उसमें होंगी, उसका एक बीज का वॉल्यूम कम होगा, एक बीज का कर्वेचर उसका नहीं होगा, उसका कलर फेड होगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज जो अनुभव के साथ आप सीख सकते हैं। तो पहले आप बेटर सीड को देख ले और फिर इन्फीरियर को देख, तो आपको ये कंपेरिजन करना धीरे धीरे आ जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है सर जयश्री मोहपात्रा जी की तरफ से कि बारिश के समय गड्ढे में पानी होता है तो क्या पानी को निकालकर फिर हमें प्लांटिंग करना चाहिए क्या, या फिर उस पर सूखी मिट्टी डाल के फिर हमको प्लांटिंग करना चाहिए? अगर कोई हमारी दाल में घी डाल दे तो हम उस घी को निकाल के दाल खाएंगे क्या? तो फिर मजा ही क्या आएगा फिर तो, है ना? इसीलिए तो हम रेन का इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी पिट में पानी है तो उसे पानी मत कहिए, अमृत है। तब तक आप क्या करें, आप उस पिट में काम कर लीजिए जिसमें कम पानी है, और बाहर जो खुदी हुई मिट्टी जब आप डालेंगे वो उसको सोख कर लेगा, और मिट्टी थोड़ी गीली भी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप उसमें, और जिसमें ज्यादा पानी है आपको लग रहा है उसको थोड़ा आप 1-2 घंटे का उसको पॉज दे दीजिए, जब तक आप आगे बढ़ जाइए, जहां पानी कहाँ भरेगा देखिए, ये भी देखिए, पानी गड्ढों में हम सबसे नीचे वाला अगर हम जोन करें, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, क्योंकि ऊपर का पानी भी नीचे आ गया है, तो आप मिडिल जोन से काम स्टार्ट कर दें। मिडिल में भी पानी है, बॉटम में पानी है, तो टॉप से पहले आप काम स्टार्ट कर दीजिए, है ना? तो आप ये देख लीजिए, या स्लोपी लैंड है तो आप आपका अपहिल साइड की तरफ से काम स्टार्ट करें, जो डाउन स्लोप है उधर का पिट में पानी होगा, तो ये थोड़ा सा रेकी करने से आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 में से 100 पिट्स में ही पानी भरा हुआ हो, तो आप पिट के पानी को बिल्कुल रिटेन कर दीजिए, उसको उस पर रहने दीजिए, वो सोक कर लेगा, और उसको यूज करिए, उसमें प्लांटिंग कर दीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। सर एक और सवाल है, मोस्टली अभी तक का हमारा आखिरी सवाल है सर। ये तो पूछ रहे हैं कि खजूर जैसा दिखने वाला जो पौधा है, खजूर का शायद बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है। तो खजूर के पौधे से जो बीज बन बीज मतलब बेसिकली खजूर के बीज से पौधा बन सकता है क्या? भंवरलाल जी, आप अपने देखिए, आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सवाल, अगर लग रहा है कि आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, खजूर बीज से ही बना है, हर पौधा ही बीज से बना है, हर पौधे का जन्म एक बीज से होता है, कोई भी पौधा हो, घास से लेके आम तक, बरगद से, सभी का जन्म बीज से होता है। खजूर का देखिए, प्रकृति में दो तरह के पौधे हैं, एक वो जिनके बीज छोटे होते हैं, एक जिनके बीज भारी होते हैं। जिनके बीज भारी होते हैं वो बीज सीधे पौधे के नीचे गिरते हैं, जी जैसे आम, महुआ, नीम, आपका खजूर, इनके बीज भारी होते हैं, इसलिए वर्टिकली ग्रेविटी से नीचे गिरते हैं, तो नीचे ही सारे इकट्ठे मिलेंगे आपको। उन बीजों को आप ले लीजिए, और उन बीजों को बिल्कुल आप जहां बोना चाहते हैं वहां खजूर के बीज को लगभग 2-3 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी में दबा दीजिए, बीज आपका उग जाएगा। और अगर आप उस बीज को नहीं उठाएंगे, 10-20 दिन बाद जाएंगे तो बीज उगे हुए मिलेंगे खजूर के नीचे, वो उस समय जो हाफ जर्मिनेटेड सीड है आप उनको भी उठा सकते हैं, और उनको उठा के एक थैली में लेके ले जाइए, और जहां भी आपको बोना है आप उसको लगा लीजिए। खजूर को ऐसी जगह बोइए जहां थोड़ी चिकनी मिट्टी हो, जहां थोड़ी नमी ज्यादा हो, यानी कि लो लाइंग एरिया हो, नदियों का किनारा, स्ट्रीम्स का किनारा, जिनमें नमी ज्यादा होती हो उस एरिया में, या फुटहिल्स में जहां अच्छी मिट्टी हो और मिट्टी में ऊपर से बहके आए पानी की नमी बढ़िया हो, वहां पर आप उसको बो सकते हैं। खासतौर से अगर कोई साउथ इंडिया वाला सुन रहा है, सदर्न इंडिया वाला है, तो वहां हिल्स पर फिनिक्स ह्यूमिलिस आता है। फिनिक्स ह्यूमिलिस एक ऐसी स्पीसीज है जो थोड़ी पहाड़ी पे भी आ जाती है, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है, तो जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं वो पहाड़ियों पर फिनिक्स ह्यूमिलिस लगाएं, जो ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा से लेके और छत्तीसगढ़ और बंगाल तक के लोग हैं वहां, और वहां एक छोटा खजूर और मिलता है जिसको लोकल भाषा में सिंधी कहते हैं, वो है आपका फिनिक्स एकॉलिस, वो इंडिया का सबसे छोटा खजूर है, उसको आप पहाड़ी पर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। और जो वेस्टर्न इंडिया वाले लोग सुन रहे हैं, आपका वेस्टर्न एमपी है, वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न
आपका पूरा राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब है, यहाँ आपका जो कॉमन स्पीसीज है वो है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, खजूर, है ना, आम खजूर, उसको आप लगा सकते हैं। एक और खजूर है जिसको पिंड खजूर कहते हैं, वो आपका फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा हर जगह नहीं लगेगा, वो सिर्फ डेजर्ट का पौधा है, जहां लगभग 9-10 रेनी डेज हो वो पौधा सिर्फ वहीं लगेगा, इसलिए उसको हाई रेनफॉल जोन में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप खजूर को बीज से लगा सकते हैं, आप खजूर को सीडलिंग से लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड किया जाता है आप सीड से लगाएं, वो आपका लो कॉस्ट बैठेगा और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। थैंक यू। थैंक यू सर। भंवरलाल जी, आप अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पूछना चाह रहे थे तो क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे, या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है? जी, धन्यवाद। वैसे सवाल का बिल्कुल क्लियर जवाब मिला है, सर ने सही बताया है। वो ये जो अपने मतलब क्या कहते हैं, ये डिजाइन के लिए लगाते हैं ना, शो के लिए बड़े बड़े मतलब छोटे खजूर होते हैं, मैं उसी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मैंने ये बीज कलेक्ट किया था लगभग 10-15 दिन पहले। अच्छा मैं जी, किसी सार्वजनिक स्थल पे गया था सर, तो वहां पे वो हाँ मुझे पौधे दिखे तो उनके नीचे बीज थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बीज ले सकता हूँ क्या मैं, कौन से तो कि स्टेट आप के हैं आप? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, राजस्थान में टोंक अच्छा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा बिसनपुर डैम है। राजस्थान में झालावाड़ में उगता है ये जो सबसे छोटा खजूर है आपका फिनिक्स एकॉलिस, ये 1100 mm से 1100-1200 mm के वाले जोन में ज्यादा बेटर आता है, लेकिन जहां ढाल की वजह से मॉइस्चर ज्यादा आती है तो 800-900 में भी लाया जा सकता अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं जी। वो उसी की बात कर रहा था जो ये मतलब रेस्टोरेंट में या किसी के घर पे डिजाइन के लिए उसको लगाते हैं शो के लिए, पर वो शायद बहुत अच्छा शायद पौधा वो लगा। आपका दूसरा हाँ खजूर है, वो आपका अरिका है। खजूर विदेशी खजूर है, वो उसको लगाया जाता है पॉट के रूप में, वो वाइल्ड का नहीं है, अच्छा वो अच्छा वाइल्ड का अच्छा नहीं है, वो पॉट में लगाया जाने वाला, मैं वाइल्ड की बात कर रहा हूँ। पॉट में तो बहुत सारे खजूर हैं, पॉट में बहुत जी सारी पाम आती है, बहुत सारी पाम लगाते हैं आजकल तो घरों में, आप उस जी पॉट वाले को लगा सकते हैं, वो बहुत छोटा रहता है, उससे भी हाँ छोटा, पॉट से भी छोटा है, जिसकी कुल लंबाई 1 मीटर ही है, ऐसा ओ अपने इंडिया में खजूर है जिसको ईस्टर्न इंडिया में सिंधी कहते हैं, है ना, हाँ और आपके टोंक कभी जाने का मौका मिल जाए और उसके फल पकने पर नीले काले हो जाते हैं, जी जबकि जी और जितने भी खजूर हैं उनके फल पकने पे पीले या केसरिया रंग के होंगे, लेकिन ये जो मैं सबसे छोटे खजूर की बात कर रहा हूँ, जो बौना खजूर है, ड्वार्फ जो खजूर है आपका, फिनिक्स ए कॉलिस, इसमें स्टेम नहीं होता है, ए माना नहीं, कॉलिस मैन स्टेम, स्टेम नहीं है, आपको ऐसा लगेगा बस इसमें कभी तना दिखता ही नहीं है, हमेशा पत्ती दिखती है, पत्ती दिखती है, इसमें आपका 1 मीटर टोटल ही हाइट होती है इसकी, और कभी आपको उदयपुर आना हो जाए तो उदयपुर में वन विभाग की नर्सरी है, बांकी नर्सरी, उदयपुर से 5 किलोमीटर आपका वेस्टर्न डायरेक्शन में है, वेस्ट साउथ वेस्टर्न में, वहां पर भी इस खजूर को लगा रखा है, आप वहां देख सकते हैं, और इनमें जी मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं खजूरों में, है ना, तो अगर वो जी आपको उगाना है उस हिसाब से, अपने जितने भी जिन खजूरों की मैंने बात की है वाइल्ड वाले, सब में मेल फीमेल प्लांट अलग है, अलग है, बीज लेने हैं तो मेल फीमेल दोनों प्लांट को आपको लगाना पड़ेगा, तभी बीज आएंगे। थैंक यू। जी थैंक यू। सर, हमारा अगला प्रश्न है अशोक जी की तरफ से। अशोक जी प्रतापगढ़ से है सर, और वो पूछना चाहते हैं कि उनके यहाँ की जो ज्यादातर जमीन है वो पथरीली जमीन है, तो वहां पे कौन कौन से पौधे उनको लगाना चाहिए? देखिए, आप आपके प्रतापगढ़ के पथरीले इलाके में घूमे और देखें नेचर ने क्या क्या उगाया है, नेचर की कॉपी कर लें तो आपको परामर्श की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका वहां पर पथरीले इलाके में देखिए, आपका आया हुआ थोड़ी सी अगर मिट्टी है, पतली सी मिट्टी की लेयर है, तो आपके यहाँ टीक खूब आराम से आता है, सागवान स्प्रेडिंग करता है, सागवान आपके यहाँ बहुत ही आराम से आता है, आपका सफेद धोक आराम से आ जाएगा, सादड़ बहुत आराम से आपके यहाँ आ जाएगी, खैर बहुत आराम से आएगा, आपका जिसको खिरनी कहते हैं, राइट या टिंक्टोरी आ जाएगा, राइट या टोमंटोसा, ये आ जाएगी, ये सब पथरीली जमीन में आ जाते हैं, ये बहुत आराम से पत्थर में उग जाते हैं। तो अब अगर पूरा बेसाल्ट है आपका, बेसाल्ट है और बेसाल्ट के ऊपर मिट्टी की लेयर है, तो ये आएंगे,
और अगर बेसाल्ट में क्रैक्स आए हुए हैं तो क्रैक में आप सालर, गोदल और कड़ाया को लगाएं, बीज से लगा दीजिए, सालर का बीज, कड़ाया, गोदल का बीज। इसके अलावा आप उसमें बरगद भी, क्रैक्स में बरगद भी लगा सकते हैं, आप क्रैक्स में पीपल भी लगा सकते हैं। बड़ा क्रैक है या क्रैक में अच्छी सारी मिट्टी भरी हुई है तो आप महुआ भी आपके यहाँ लगा सकते हैं। फ्लैट एरिया में देसी बबूल भी आपके यहाँ आ जाती है, आपके ठीक है स्टंटिंग आएगा लेकिन आपके यहाँ बहुत आराम से ये सब पौधे आ जाते हैं। और वैलीज में जहाँ मिट्टी अच्छी है तो आप प्रतापगढ़ में आम लगा सकते हैं, आम बहुत अच्छा आएगा, जामुन बहुत अच्छा आएगा प्रतापगढ़ में, महुआ बहुत अच्छा आएगा, जंगल जलेबी बहुत अच्छी से आ जाती है, बबूल बहुत अच्छे से आपके प्रतापगढ़ में आ जाते हैं। और टीक को आप मिट्टी से लेकर शैलो मिट्टी और चट्टान तक वाले एरिया में टीक को लगा सकते हैं। प्रतापगढ़ में टीक भी बढ़िया आता है, बहेड़ा भी थोड़ी मिट्टी ठीक ठाक है, बहेड़ा आ जाएगा आपका, साडर आ जाएगा, पोंगी में पिन्नेट करंज बहुत अच्छी आपके आ जाएगी। तो ये पौधे प्रतापगढ़ में लगते हैं। तो आप ऐसा करें किसी पहाड़ी एरिया में घूमें, एक ट्रांजेक्ट कर लें और नोट करते जाएं क्या क्या चीज उगी हुई है, उन्हीं चीजों को आप आपके एरिया में लगा दें। आपके नियरेस्ट 3-4 किलोमीटर में कौन कौन से पौधे चट्टानों पे आए हैं, चट्टानी क्षेत्र में आए हैं, उन्हीं पौधों को, और आपको दिक्कत आती है तो आप आए एक लिस्ट बनाए और लिस्ट बना मुझे भेज दें, मैं बता दूंगा कि आपके एरिया में इस लिस्ट के अनुसार कौन से पौधे मोस्ट सुटेबल आपके एरिया के लिए हैं। थैंक यू सर। वेलकम। सर हमारा अगला सवाल श्रीरंग का तरफ से है, श्रीरंग साहा कर्नाटका टीम से। वो पूछना चाहते हैं सर कि ट्रेंच और बंड और फार्म बंड जहाँ पे काली मिट्टी मोस्टली होती है उसको स्टेबलाइज करने, वहाँ उस एरिया की मिट्टी को स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे कौन सी ग्रास स्पीशीज हमको लगाना चाहिए? देखिए लोकल आप ग्रास को देखिए, आपके कर्नाटक यहाँ कौन कौन सी घासें उगी हुई हैं, लोकल घास को देखिए। फिर भी मैं आपको आपका जो पूरा वेस्टर्न राजस्थान से लेके आप पूरे तमिलनाडु तक चले जाइए और इधर आप टच कर लीजिए पूरा उड़ीसा, 3-4 मैं घासों के नाम बता रहा हूँ, ये घास यूनिवर्सल घास है क्योंकि हमारा जो इस जोन का ग्रास लैंड है ये ग्रास लैंड है आपका डाइकैंथियम सेहिमा नर्वोसम ग्रास लैंड। तो डाइकैंथियम सेहिमा नर्वोसम ग्रास लैंड है, इसके जो एसोसिएट्स हैं उनको भी इसमें प्लस करिए। तो कौन कौन सी स्पीशीज होंगी देखिए, आपका सेहिमा नर्वोसम एक घास, डाइकैंथियम एनुलेटम सेकेंड घास, थर्ड हो जाएगी आपका हेट्रोपोगोन कंटूरटस, चौथा आपका घास हो जाएगा एरिमोपोगोन फोवियोलेटस, ये चौथी हो जाएगी। एक घास आप लगाए लगा लीजिए आपका डेक्टिलॉक्टिनम इजिप्टिकम, ये घास आप लगा लीजिए। फिर एक आप घास लगाइए आपका क्राइसोपोगोन फुलवस, इस घास को आप इसमें लगा लीजिए। एक आप घास लगाइए दूब, दूब बहुत आराम से पूरे यूनिवर्सल है, दूब आपका ये हो जाएगा, दूध को क्या कहेंगे हिमानी जी, अनिल दूध को साइनोडोन क्या, डेक्टाइलोन, साइनोडोन साइनोडोन डेक्टाइलोन। डेक्टाइलॉन, और बीज छिड़क दें इसके, ये बहुत आराम से आपके आ जाएगी। प्लस ग्रासेज के अलावा आपके एरिया में अगेव बहुत अच्छी आती हैं, आप अगेव का भी प्लांटिंग कर दीजिए, अगेव के जो बुलबिल, ये बुलबिल्स लगा लें, अगेव के सकर्स लगा लें क्योंकि अगेव आराम से मिल जाता है, अगेव आप लगा सकते हैं, अगेव वाला अलॉय वीरा वो लगा सकते हैं, फर्कीरिया, फर्कीरिया भी आप लगा सकते, अलॉय का बहुत नजदीकी है वो आप लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से आपका उसको बाइंडिंग कर देते हैं क्योंकि ये सकर आते हैं, सकर उसको जो ठीक से कर दे। इसके अलावा आप चाहें तो वहां एक पौधा है सिजलपीनिया बॉन्डक, सिजलपीनिया बॉन्डक का सोइंग आप कर सकते हैं, बहुत आराम से आ जाता है उस जोन में। एक आपका सिजलपीनिया डेकापटेला, इसका सीड सोइंग कर दें, इनमें कांटे भी होते हैं। तो ये एक तरह से जो ग्रेजिंग करने वाले वाइल्ड एनिमल हैं, ग्रेजिंग करने वाले डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको भी ये रोकते हैं। और जब ये उग जाए, आप करौंदा भी आपके यहाँ बहुत अच्छा आता है, करौंदा है वो आपका कैरिसा कॉन्जेस्टा, इसको भी आप लगा सकते हैं। और इसके नीचे बहुत सारी ट्यूबरस क्रॉप लगा सकते हैं, आप ट्यूबरस डायस्कोरिया आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो इससे आपको क्या मल्टीपर्पज आपकी फेंसिंग हो जाएगी। ग्रासेज अगर आप लगाते हैं तो बाइंडिंग तो हो गया,
लेकिन बेरियर कहाँ हुआ? आपका पर्पज मेरे हिसाब से सॉइल को बाइंडिंग करना नहीं है, क्योंकि आप फेंसिंग की बात कर रहे हैं तो बेरियर होना है, इसलिए सिर्फ बाइंडिंग नहीं करें, बेरियर भी क्रिएट करें, ताकि वो आपका जो बंड है वो आपका फेंसिंग का काम भी ठीक से कर सके। इसलिए आप थॉर्नी स्पीसीज को भी वहां पर लगा सकते हैं। अच्छा, जब आप थॉर्नी स्पीसीज लगाएंगे तो उनकी छाया में ग्रासेज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी, है ना? तो वो चीज आप देख लें, ग्रास करना ही है तो टॉप पर तो आप ये जो थॉर्नी स्पीसीज लगा लीजिए और दोनों साइड में लेटरल में आप घास का सीड सोइंग कर दीजिए। तो इनिशियली क्योंकि लाइट बहुत मिल रही है तो घास डेवलप होके उसको नीचे से बाइंड कर देगी, उसको रोक देगी, और फिर धीरे धीरे एक दो साल में जब बड़े पौधे हो जाएंगे, आपका जो कांटेदार जो आपने पौधे लगाए जब वो बड़े हो जाएंगे तो घास धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो फेंसिंग में अपना एक जो बैरियर का काम है करने का वो करने लग जाएंगे। थैंक यू सतीश सर, जी मैम, ये काफी हेल्पफुल है ये सर। हेल्प ये बता रहे हैं, देखिए अनिल ये अनिल जी ने या हिमानी जी ने दिखाया, ग्रासेस दिखाई है ना, तो इसमें थेमेडा क्वाड्रिवेल्विस है, बहुत अच्छी घास है, आराम से आ जाती है। साइनोडॉन डक्टाइलन थर्ड पे जो हाथ दिख रहा है हैंड जो, ये बिल्कुल ये बहुत आराम से। हेट्रोपोगोन सेकेंड नंबर पे बहुत अच्छी घास है। डक्टिलक्टिनम इजिप्टिकम नीचे से फोर्थ देखिए, ये एक अच्छी घास है ना, ये सब आ जाती है, ये घास है। तो लोकल घास और तीन चार बीज मिक्स करिए, सिंगल या दो बीज मत मिलाइए, तीन चार घासों के बीज को मिक्स करिए आप, ताकि एक बैटर नहीं चली तो दूसरी बैटर रिजल्ट दे देगी। थैंक यू सर। सो हम आज के जितने भी सवाल थे हमारे वो अभी समाप्त हो चुके हैं। आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप अपने आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एल्स हम लोग अपना वेबिनार का एंड का तरफ अभी आगे बढ़ेंगे और आई विल हैंड ओवर दिस टू सहाना। सहाना वुड, अगर किसी को, जैसे हिमानी बोली, अगर आप में से किसी को बात करना है तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे। अभी के लिए तो और कुछ आया नहीं है, बट बहुत सारे कमेंट्स और रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं कि उनको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है वेबिनार से। तो इसी के साथ हम इस रिवेजिटेशन डिस्कशन फोरम्स के समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच सतीश सर और अनिल सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सतीश सर तो हर सेशन में भी रहे हैं और अनिल सर भले ही सारे सेशंस में यहाँ पे ना दिखे हो बट बैकएंड में हमारा मदद तो करते रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट देने के लिए और ये पूरा सीरीज को हमको चलाने में मदद करने के लिए। सतीश सर आप अपना टाइम निकाल के हर हफ्ता जुड़े रहे हैं जून 5th से लेकर के अब तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन सेशंस के थ्रू काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है, और क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अभी एकदम रेलेवेंट है, सीजन अभी है और एकदम ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्शन में ये सारे चर्चे चले हैं, तो उसका एंगेजमेंट भी काफी अच्छा रहा है और यहाँ पे तो हमको दिख ही रहा है। और सर आपका इन सेशंस के थ्रू आपने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ये इसके द्वारा हमको बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप लोग रेकग्नाइज भी करने लगे हैं, जैसे अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में बता रहे थे कि उन्होंने ये सेशन अटेंड किया था और वहाँ पे हमारी एक कोलीग गई थी, दीक्षा गई थी कोई और काम से, और उन्होंने उनको रेकग्नाइज किया कि अच्छा आप ये रिवेजिटेशन डिस्कशन फोरम्स को ऑर्गेनाइज जो करवा रहे हैं सतीश सर के साथ आप वही है करके, और ये सेशंस को अटेंड करके एक आर्टिकल भी एक कम्युनिटी मेंबर ने छापा है छत्तीसगढ़ में अराउंड सीडिंग एंड सीड कलेक्शन आफ्टर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट दे हैव लर्नड थ्रू दीज सेशंस। सो ये काफी इंस्पायरिंग है हमारे लिए भी कि हम ऐसे प्रयासों को और करते रहे, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ऐसे सेशंस रखते रहे और अलग अलग थीम्स सीजनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करके ऐसे जुड़ते रहें। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट, और जितने लोग हमारे साथ ये पूरे सीरीज और डिस्कशन फोरम्स में रहे हैं और अटेंड करते आए हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे जितने भी अभी तक के सेशंस रहे हैं ये सारे हमने रिकॉर्ड किया है और इसको हम उसी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे डालेंगे जहाँ पे रीवेजिटेशन के वीडियोस अभी अवेलेबल है। मैंने लिंक फिर से शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो फील फ्री टू शेयर दिस फार एंड वाइड। आपको जहां जहां पे आपको लगता है कि ये काम में आ सकता है, जिसके पास भी आप इसको पहुंचाना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको शेयर करें वाइडली। सारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग्स भी इसी प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो और कभी भी अगर आपको कुछ पूछना वूछना हो, आपको एक इनिशियल मेल तो हमारे तरफ से आया ही होगा, रिमाइंडर्स भी आए होंगे, तो आप उसी ईमेल आईडी पे वापस लिख भी सकते हैं। और अगर आपको किसी से भी कनेक्ट करना है, सतीश सर, अनिल सर, या किसी एक्सपर्ट से भी जो हमारे साथ इसमें इस पूरे सीरीज में रहे हैं, तो आप उसी ईमेल आईडी पे लिख भी सकते हैं, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू कनेक्ट यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि फिर से जल्दी ही एक और थीम को लेकर के ऐसे ही हम वापस से वर्चुअली जुड़े। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू।